स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपशा और मैं आज लेकर आई हूँ बंगालियों का एक ऑथेंटिक डिश डक बंगलो चिकन। ये डाक बंगलो चिकन बनाने में क्या क्या लगेगा? लगेगा चिकन, कटे हुए प्याज, क्रश किए हुए गरम मसाले, क्रश किए हुए लहसुन, क्रश की हुई लाल मिर्च, क्रश जीरा, क्रश धनिया, अदरक, हल्दी, नमक, शक्कर, तेज पत्ता और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। और ये पूरी रेसिपी बनेगी सरसों के तेल में। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद तेज पत्ता डाला, जरा सा क्रश किया हुआ गरम मसाला, गरम तेल में जरा सा चीनी डालूंगी, उसके बाद कटे हुए प्याज, प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें एक टीस्पून लहसुन डालूंगी, अदरक क्रश करके रखा था वो भी एक टीस्पून डालूंगी। प्याज अदरक लहसुन को तेल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज शैलो फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, धनिया क्रश करके रखा था तो एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा धनिया डालना है, क्रश किया हुआ जीरा एक चम्मच, क्रश लाल मिर्च पूरा डाल दूंगी। सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लूंगी। इस चिकन की खासियत ये है कि जितने भी मसाले हमने यूज किए सभी क्रश थे और किसी को भी हमने पीसा नहीं या पाउडर नहीं बनाया, इसीलिए इसका नाम है डाक बंगलो चिकन। जरा सा भुनने के बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी और चिकन रेडी हो जाएगा। चिकन भुन चुका है, अब इसमें पानी डाल दूंगी। इसमें ग्रेवी रहेगा इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पानी डालना होगा। चिकन पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब मैं चिकन को सर्व करूंगी। इस तरह का ऑथेंटिक बंगाली डिश चावल के साथ खाने में तो अच्छा लगता ही है, इसके अलावा रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। गार्निशिंग के लिए जरा सा कोरिएंडर लीव दे दिया। बंगालियों का ऑथेंटिक डिश डाक बंगलो चिकन रेडी। स्पाइस बॉक्स में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन टाटा।